हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मास्टर टेक्निकल वन से अनुज दुबे लेकर आया हूँ आपको अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर आपको कीवर्ड कैसे चेंज करना है। इस टॉपिक पे अपनी पहले वीडियो में बात हुई थी जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने चैनल के होम पेज पर चला जाना है। होम पेज पर जाने के बाद सिंपल सा आपको माई चैनल पर जाना है। यहाँ से माई चैनल पर जाके सिंपल सा आपको कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करना है। कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करने के बाद यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो में जाने के बाद आपको दोस्तों सिंपल सा क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ सेटिंग का ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो वीडियो बहुत रोमांचक होने वाला है, तो वीडियो पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सिंपल सा सेटिंग का ऑप्शन दिखाई जिस पर क्लिक करना है आपको, तो यहाँ पर आपको छह सेटिंग मिलेंगी, जर्नल, चैनल, अपलोड, डिफॉल्ट, परमिशन, कम्युनिटी एग्रीमेंट। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको चैनल पर क्लिक करना है। चैनल पर क्लिक करने के बाद आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन में ये यहाँ लिखा है कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आप कहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ पर लिखा है कीवर्ड, इंटर कमांड। इंटर कमांड का मतलब होता है कि जो कीवर्ड आप यहाँ डालेंगे वो जो कोई आपके यूट्यूब सर्च बॉक्स में कमांड देगा जिस चीज़ का, और उसमें अगर आपका कीवर्ड सेव होगा तो आपका चैनल वहाँ सर्च में आ जाएगा। सिंपल सा दोस्तों आपको अपने चैनल के अकॉर्डिंग यहाँ कीवर्ड डालना है। तो कीवर्ड कहाँ से लाएंगे आप, आपका चैनल जैसे कि फोल्क सॉन्ग का है तो यहाँ पर सर्च करेंगे यूट्यूब यूट्यूब YouTube पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ लिखना है लोकगीत। तो दोस्तों लोकगीत लिखने के बाद यहाँ जो दिया हुआ है ऑप्शन, तो यहाँ आपको दिस वीक का लोकगीत देखना है। तो यहाँ जो टॉप लिस्ट में है लोकगीत, तो आपको उनको यहाँ पर इनके टाइटल को उठा के वहाँ कीबोर्ड में सेव कर देना है। सिंपल सा आपका जो है कीबोर्ड बन जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों चैनल पे हमारे साथ बने रहिए। मैं आपका टेक्निकल मास्टर वन, मैं आपको हमेशा एक एक नए नए वीडियो आपके सामने लेकर आता रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मेरा जो है चैनल जल्द से जल्द आपको एक नई वीडियो लेकर आएगा, वो भी बहुत रोमांचक होगी। इस पर मेरे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।